नमस्कार किसान भाइयों, मैं शिवम यादव आप सभी का स्वागत करता हूं लाइव टुडे के इस खास कार्यक्रम मेरा देश मेरा गांव में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं खेती किसानी, पशुपालन और तकनीकी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, ताकि किसान अपनी फसलों और पशुओं का बखूबी ख्याल रख सकें और अपने मुनाफे को बढ़ा सकें। कार्यक्रम के आज के भाग में हम बात करेंगे मूंगफली की। मूंगफली की खेती कब करें जिससे फसल पर कीटों का प्रकोप कम हो। मूंगफली खरीफ और जायद दोनों मौसम की फसल है। मूंगफली की फसल हवा और बारिश से मिट्टी को कटने से बचाती है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मूंगफली की फसल में खरीफ की अपेक्षा जायद में और कीट और बीमारियों का प्रकोप कम होता है। प्रदेश में ये झांसी, हरदोई, सीतापुर, खीरी, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, सहारनपुर के साथ अन्य कई जगहों पर अधिक क्षेत्रफल में उगाई जाती है। हरदोई में दर्जनों किसान मूंगफली की खेती कर रहे हैं। गेहूं कटने के बाद खेत खाली होने के बाद मूंगफली की बुआई शुरू कर दी है। इससे काफी ज्यादा फायदा भी हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं मूंगफली की खेती के लिए उपयुक्त प्रजातियों, भूमि की तैयारी और जलवायु के बारे में। प्रजातियां जायद के लिए उपयुक्त प्रजातियां DH86, ICGS44, ICGS1, R9251, TG37, R8808 है। भूमि की तैयारी मूंगफली की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली भुरभुरी दोमट व बलुई दोमट भूमि सर्वोत्तम रहती है। मिट्टी पलटने वाले हल या बाद में कल्टीवेटर से दो जुताई करके खेत को पाटा लगाकर समतल कर लेना चाहिए। कीड़ों से फसल के बचाव के लिए क्विलनफास 1.5% 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई के साथ जमीन में मिला देना चाहिए। जलवायु मूंगफली के लिए शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। मूंगफली की खेती के लिए दोमट बलुई या हल्की दोमट भूमि अच्छी रहती है। जायद में मूंगफली की फसल के लिए भारी दोमट भूमि का चुनाव नहीं करना चाहिए। मूंगफली की खेती आलू, मटर, सरसों और गेहूं की कटाई के बाद खाली भूमि में की जा सकती है। भारत और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने शोध में ऐसे जीन्स की पहचान की है जो मूंगफली की अधिक पाचक किस्में विकसित करने में मददगार साबित हो सकती हैं। मूंगफली की ये किस्में खनिजों की कमी से होने वाले कुपोषण को दूर करने का जरिया बन सकती हैं। मूंगफली में मौजूद खनिजों की प्रचुर मात्रा की वजह से इसे एक संपूर्ण आहार माना जाता है। मूंगफली में 2-3% तक खनिज होते हैं। इसको आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत माना जाता है। मूंगफली में मैंगनीज, तांबा, जस्ता और बोरॉन की भी कुछ मात्रा पाई जाती है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का मानना है कि ये समय मूंगफली की बुआई का सही समय होता है। बुआई करते समय बीज शोधन जरूर कर लेना चाहिए। मूंगफली के साथ दूसरी फसलें भी लगा सकते हैं, इससे जमीन की मात्रा संतुलित रहती है। तो आइए अब जान लेते हैं खेत की तैयारी, बीज शोधन और नीम की खली के प्रयोग के बारे में। खेत की तैयारी जायद में मूंगफली की खेती के लिए खेत की तैयारी अच्छी तरह करनी चाहिए। खेत की एक गहरी जुताई के बाद 2-3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करके भूमि को भुरभुरा बना लेना चाहिए। जायद में आखिरी जुताई के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल बना लेना चाहिए, जिससे कि पानी लगाने में सुविधा रहे। बीज बुआई और शोधन जायद में मूंगफली की बुआई मार्च से अप्रैल तक की जा सकती है, जिससे फसल अच्छी पैदावार दे सके। बुआई लाइनों में करनी चाहिए। लाइन से लाइन की दूरी 25-30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 8-10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। जायद की फसल में 95-100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। बोने से पहले बीज को थीरम 2 ग्राम और 1 ग्राम 50% कार्बन डाइजेम के मिश्रण को 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित करना चाहिए। शोधन के 5-6 घंटे के बाद बोने से पहले बीज को मूंगफली के राइबोजियम कल्चर से उपचारित करना चाहिए। नीम की खल का प्रयोग नीम की खल के प्रयोग का मूंगफली के उत्पादन में अच्छा प्रभाव पड़ता है।
अंतिम जुताई के समय 400 किलोग्राम नीम खल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दे देना चाहिए। मूंगफली सेहत का खजाना है, साथ ही यह वनस्पतिक प्रोटीन का एक सस्ता स्रोत भी है। रोज मूंगफली खाने के कई ऐसे फायदे होते हैं जो खाने वालों को भी नहीं पता होते। ऐसे में अनजाने में ही कुछ ऐसे हेल्दी फायदे मिलने लगते हैं जिनकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। एक अंडे की कीमत में जितनी मूंगफली आती है उसमें अंडे से कई गुना ज्यादा प्रोटीन होता है। दूध और अंडे में इसके मुकाबले कम प्रोटीन होता है। तो अब जानते हैं सेहत से भरे इस फसल को अपनाने के लिए सिंचाई और खरपतवार प्रबंधन के बारे में। सिंचाई, जायद की फसल में 4-5 सिंचाई करनी चाहिए। पहली सिंचाई जमाव पूर्ण होने पर और सूखी गुड़ाई के 20 दिन बाद करनी चाहिए। दूसरी सिंचाई 35 दिन बाद और तीसरी सिंचाई 50 से 55 दिन बाद, साथ ही हर समय नमी रहने के लिए गहरी सिंचाई करनी चाहिए। चौथी सिंचाई फलियां बनते समय 70 से 75 दिन बाद और पांचवी सिंचाई दाना बनने के बाद दाना भरते समय करना होता है। खरपतवार प्रबंधन, अच्छी पैदावार लेने के लिए निराई गुड़ाई खरपतवार निकालना बहुत ही आवश्यक है। पेंडी मेथिलियन 30% की 3.3 लीटर या एलाक्लोर 50% की 4 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से मिश्रण तैयार करें। मिश्रण को 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर बुआई के 2 से 3 दिन तक बीज जमाव से पहले छिड़काव करना जरूरी होता है। तो किसान भाइयों, ये तो थी मूंगफली की सही समय पर बुआई से जुड़ी हुई जानकारी। यदि आपको भी कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। आप अपना बहुमूल्य सुझाव भी हमें दे सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-121-0199। कार्यक्रम के इस भाग में हम बात करेंगे एकमुश्त समाधान योजना के बारे में। किसान ऋण मोचन योजना के तहत किसानों का 1 लाख तक का कर्ज माफ कर चुकी यूपी सरकार किसानों को एक और तोहफा देने जा रही है। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड से दीर्घकालीन कर्ज लेने वाले किसानों को बकाया चुकाने के लिए एकमुश्त समाधान योजना की शुरुआत करने की घोषणा की है। ग्राम विकास सहकारिता बैंकों से भी जो ऋण लिया गया है उसको भी कहीं ना कहीं सरकार की जो मंशा है कि ऋण से माफ़ी मिले और निजात मिले, इस पूरे मुद्दे पर बात हमारे साथ है मुकुट बिहारी वर्मा जी हैं, सहकारिता मंत्री हैं। सर, क्या निकाला आपने फार्मूला कि आखिर किसानों को जो दीर्घकालीन और अल्पकालीन ऋण लिया करते उनके लिए क्या निकाला है? योगी जी की सरकार किसानोन्मुखी सरकार है और जिस समय हम प्रारंभ में चुनाव में थे तो हमने ऋण माफ़ी की घोषणा की थी और कहा यह था कि पहली ही कैबिनेट में हम ऋण माफ़ करेंगे। वास्तव में पहली ही कैबिनेट में हमने ऋण माफ़ किया और 36,000 करोड़ रुपए की हमने व्यवस्था की, किंतु वो सारा ऋण हमने माफ़ किया अल्पकालीन ऋण। अब किसान के सामने एक समस्या थी, ऋण के समय भी अल्पकालीन दीर्घकालीन हमने नहीं कहा था और सामान्य रूप से किसान अपने ऋण को ये नहीं जानता है कि हमारा ऋण अल्पकालीन है कि दीर्घकालीन है। बहुत दिन तक किसान अल्पकालीन और दीर्घकालीन में फंसा रहा। जब इस चीज़ स्पष्ट हुई तो अल्पकालीन वाला तो ऋण माफ़ हो गया, दीर्घकालीन वाला भी प्रतीक्षा करता रहा और एक लंबे पीरियड तक उसने पैसा नहीं जमा किया, उसका ब्याज बढ़ा, उसके सामने एक समस्या आई। हम लोगों ने देखा कि यदि किसान का भला करना है हमको तो इस दीर्घकालीन ऋण में भी हम कोई व्यवस्था ऐसी तय करें कि इसको इसमें रिलीफ मिले, कुछ निदान मिले, और उसके लिए हमने एक प्रोसेस तय किया, एक मुश्त समाधान योजना। उस एक मुश्त समाधान योजना में हमने सबसे पहली व्यवस्था ये की 1 अप्रैल 1997 तक, चाहे जितना पहले का रहा हो, 1 अप्रैल 1997 तक मूलधन के साथ जो ब्याज था, मोस्टली हमने देखा मूलधन से 5 गुना अधिक ब्याज था, इसलिए हमने तय किया कि हम मूलधन केवल लेंगे, सारा ब्याज माफ़ कर देंगे एक मुश्त समाधान योजना में। दूसरा, हमको लगा कि 2001 अप्रैल
1997 के बाद 1 अप्रैल 2007 तक इस बीच के पीरियड को हमने तय किया कि जो इस किसान ने हमसे ऋण लिया है, दीर्घकालीन ऋण का अर्थ होता है ट्रैक्टर के लिए लोन, पंपिंग सेट के लिए लोन, डेयरी के लिए लोन, जो लोन दीर्घकालीन होते हैं। तो यदि ऐसा लोन लिया है और आज उसके सामने प्रॉब्लम है कि किस्त वाइज नहीं अदा कर पाया और बोझ हो गया है, तो उसको हमने कहा जितना हमारा मूलधन है उस मूलधन के बराबर आप हमको ब्याज दे दो, बाकी सारा ब्याज माफ़ कर देंगे। और उसमें एक सुविधा और दिया कि यदि बीच में उसने ब्याज जो दे दिया है उस ब्याज को भी हम डिडक्ट कर देंगे, घटा देंगे ब्याज में से मूलधन के बराबर बिल ब्याज लेते समय। तीसरी कैटेगरी हमने बनाई 2007 के बाद। 2007 के और 17 के बीच में जो समझौता करेंगे जिन पर बोझ लदा है उनको ब्याज में हम 50% की छूट देंगे। उसके बाद 2018 तक हम छूट ये 40% देंगे और 1 मई 2019 तक यह छूट हम 35% देंगे। इसी प्रकार 1 अप्रैल 1997 से 31 मार्च 2007 तक ऋण लेने वाले किसानों से मूलधन के बराबर ब्याज लेकर शेष ब्याज की छूट दी जाएगी। 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 के बीच बांटे गए ऋणों में समझौता करने पर ब्याज में अधिकतम 50% तक की छूट दी जाएगी। सहकारिता मंत्री ने बताया कि प्रदेश के पिछड़े और अनुसूचित जाति के किसानों को केंद्र सरकार की मदद से रोजगार परक योजनाओं के लिए 6% वार्षिक ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके तहत 31 मार्च 2018 तक 6,531 लाभार्थियों में 39,87,00,000 रुपए ऋण दिया गया। इसमें 22,34,00,000 रुपए ऋण महिलाओं को दिए गए। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए हम आपको एकमुश्त समाधान योजना के मुख्य बिंदुओं को समझाते हैं। एकमुश्त समाधान योजना 2018 बकायेदार किसानों पर देय समस्त मूलधन की 100% वसूली की जाएगी। योजना शुरू की तिथि से 31 जुलाई 2018 तक के बीच समझौता कर खाता बंद करने पर ब्याज में 50% की छूट दी जाएगी। 1 अगस्त 2018 से 31 अक्टूबर 2018 के बीच समझौता कर खाता करने पर ब्याज में 40% की छूट दी जाएगी। 1 नवंबर 2018 से 31 जनवरी 2019 के बीच समझौता कर खाता बंद करने पर ब्याज में 35% की छूट दी जाएगी। बातचीत में वर्मा ने कहा कि अगले 5 सालों में किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। अल्पकालीन ऋण लेने वाले किसानों को कर्ज माफी योजना का लाभ पहले ही दिया जा चुका है। कर्ज माफी योजना के तहत सहकारिता विभाग में 1,93,000 से ज़्यादा किसानों को 344,94,00,000 रुपये का ऋण माफ किया गया। तो किसान भाइयों, ये तो थी एकमुश्त समाधान योजना की संपूर्ण जानकारी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको हाइड्रोजल के बारे में बताने जा रहे हैं। देश में जिस तरह से जल संकट बढ़ा है, कई राज्यों में तो सूखे ने खेती को पूरी तरह बर्बाद कर दी। अगर ऐसा ही रहा तो कुछ साल में कहीं खेती नहीं हो पाएगी। ऐसे में हाइड्रोजल जेल, इसकी मदद से हम कम पानी में खेती कर सकते हैं। भारत में जितनी खेती होती है उनमें से 60% खेती ऐसे क्षेत्र में की जाती है जहां पानी की बेहद किल्लत है। इनमें से 30% जगहों पर पर्याप्त बारिश नहीं होती। भारत में खेती मुख्य रूप से बारिश पर निर्भर है। देश में 60% खेती बारिश के पानी पर निर्भर है और इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा 1150 मिलीमीटर से भी कम होती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूसा के वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजेल विकसित किया है जिसकी मदद से बारिश के पानी को स्टोर कर रखा जा सकता है और इसका इस्तेमाल उस वक्त किया जा सकता है जब फसलों को पानी की जरूरत पड़े। हाइड्रोजेल के कण बारिश होने पर या सिंचाई के वक्त खेत में जाने वाले पानी को सोख लेता है और जब बारिश नहीं होती तो कण से खुद ब खुद पानी रिसता है जिससे फसलों को पानी मिल जाता है। फिर अगर बारिश हो तो हाइड्रोजेल दोबारा पानी को सोख लेता है और जरूरत के अनुसार फिर उसमें से पानी का रिसाव होने लगता है। शोध के अनुसार खेतों में हाइड्रोजेल का एक बार इस्तेमाल किया जाए तो वो 2 से 5 सालों तक काम करता है। इसके बाद ही वो नष्ट हो जाता है, लेकिन नष्ट होने पर खेतों की उर्वरा शक्ति पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता बल्कि समय समय पर पानी देकर फसलों और खेतों को फायदा ही पहुंचाता है। आइए अब हम जानते हैं हाइड्रोजेल से होने वाले लाभों के बारे में और साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर इनका इस्तेमाल हम किस प्रकार कर सकते हैं। हाइड्रोजेल से होने वाले लाभ और इस्तेमाल।
हाइड्रोजेल का इस्तेमाल उस वक्त किया जा सकता है जब फसलें बोई जाती हैं। फसलों के साथ ही हाइड्रोजेल के कण भी खेतों में डाले जा सकते हैं। हाइड्रोजेल 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी खराब नहीं होता। हाइड्रोजेल में 400 गुना पानी सोख लेने की क्षमता होती है। हाइड्रोजेल से पर्यावरण और फसलों को किसी तरह का नुकसान नहीं होता। शोध पत्र में कहा गया है कि मक्के, गेहूं, आलू, सोयाबीन, सरसों, प्याज, टमाटर, फूलगोभी, गाजर, धान, गन्ने, हल्दी, जूट समेत अन्य फसलों में हाइड्रोजेल का इस्तेमाल कर पाया गया। इससे उत्पादकता तो बढ़ती है लेकिन पर्यावरण और फसलों को किसी तरह का नुकसान भी नहीं होता गांव में। तो किसान भाइयों, ये तो थी एकमुश्त समाधान योजना और हाइड्रोजेल से जुड़ी हुई जानकारी। अगर आपको भी कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही आप अपना बहुमूल्य सुझाव भी हमें भेज सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-121-0199। किसान भाइयों, आपकी सहायता के लिए लाइव टुडे की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रम मेरा देश मेरा गांव में अब तक हमने आपको कई सारी फसलों, फलों और फूलों की खेती के बारे में बताया। साथ ही आपकी खेती किसानी से जुड़ी हुई समस्याएं दूर हों इसके लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जो बिल्कुल मुफ्त है, जिस पर हमें किसानों की ओर से सराहना तो मिली ही है, साथ ही उन्होंने खेती में आने वाली समस्याओं के निदान के लिए हमसे संपर्क भी किया और कई किसान भाइयों के सवालों का हमने अपने विशेषज्ञों द्वारा समाधान भी किया। कुछ ऐसे ही सवाल आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये वो सवाल हैं जिसे किसान भाइयों ने हमसे पूछा और उसका जवाब जानने की कोशिश की। जबलपुर के रहने वाले किसान भाई ओमकार पटेल ने हमारे टोल फ्री नंबर 1800-121-0199 पर कॉल के माध्यम से अपनी समस्या रखी। उनका सवाल है, आपका सवाल, गेंदे की खेती के लिए भूमि और जलवायु कैसी होनी चाहिए? हमारा जवाब, ओमकार जी, गेंदे की खेती बलुई दोमट भूमि, उचित जल निकास वाली उत्तम मानी जाती है। भूमि का पीएच मान 7 से 7.5 के बीच हो तो वो भूमि खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। गेंदे के बीज की मात्रा किस्मों के आधार पर लगती है, जैसे कि संकर किस्मों का बीज 700 से 800 ग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। सामान्य किस्मों का बीज 1.25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। उत्तर भारत में दो समय पर बीज बोया जाता है। पहली बुआई मार्च से जून तक होती है, दूसरी बुआई अगस्त से सितंबर तक की जाती है। ओमकार जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब आइए बात करते हैं आज के दूसरे सवाल के बारे में। अमरोहा के रहने वाले किसान भाई सतीश चंद्र ने हमारे टोल फ्री नंबर 1800-121-0199 पर हमसे संपर्क किया और अपनी समस्या रखी। उन्होंने हमसे जानना चाहा है, आपका सवाल, रस्प बेरी की खेती के बारे में जानकारी दें। हमारा जवाब, सतीश जी, रस्प बेरी को कई तरह की जलवायु या मौसम में उगाया जा सकता है। सबसे अच्छा ठंडे मौसम में फलता फूलता है। रस्पबेरी कुछ हद तक छाया को बर्दाश्त कर लेती है लेकिन सूर्य की पर्याप्त रोशनी में अच्छी बढ़त होती है। रस्पबेरी की फसल सबसे बेहतर चिकनी बलुई मिट्टी से लेकर तलछट मिट्टी, जिसमें पानी निकासी की अच्छी व्यवस्था हो, वहां होती है। रस्पबेरी के पौधे के लिए 6 से 7 पीएच मान वाली मिट्टी अनुकूल है। अम्लीय गुणों वाली मिट्टी को चूना डालकर ठीक किया जा सकता है। सतीश जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब आइए बात करते हैं आज के तीसरे सवाल के बारे में।
बहराइच के रहने वाले किसान भाई संजय सिंह ने हमारे टोल फ्री नंबर 1800-121-0199 पर अपनी समस्या रखी। उनका सवाल है, आपका सवाल, गेंदे की खेती के बारे में उचित सुझाव दें। हमारा जवाब, संजय जी, खेत की तैयारी करते समय 250 से 300 क्विंटल सड़ी गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से मिला देना चाहिए। अच्छी फसल के लिए 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस और 80 किलोग्राम पोटास तत्व के रूप में प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा खेत की तैयारी करते समय अच्छी तरह जुताई करके मिला देना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा दो बार में बराबर मात्रा में देना चाहिए। पहली बार रोपाई के एक माह के बाद और शेष रोपाई के दो माह बाद दूसरी बार देना चाहिए। संजय जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो किसान भाइयों, ये तो थी आज की वो समस्याएं और उनके समाधान जो कि आपने हमसे पूछे थे। हम आशा करते हैं कि आप हमारे द्वारा और हमारे विशेषज्ञों द्वारा दिए गए समाधान से पूरी तरह संतुष्ट होंगे और आगे भी खेती किसानी से जुड़ी हुई किसी भी समस्या के लिए हमसे हमारे टोल फ्री नंबर 1800-121-0199 पर संपर्क करते रहेंगे और अपने बहुमूल्य सुझाव देते रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम में किसान भाइयों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। खेती किसानी से जुड़ी कुछ और जानकारियों के साथ हम आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।